अस्सलाम वालेकुम। आज हम कसर के बारे में पढ़ेंगे। आधा किस तरह जाहिर करते हैं कसर में, है ना बच्चों? आपके सामने ये एक मुरब्बा नुमा शक्ल नज़र आ रही है, इसे मुरब्बा कहते हैं। इसके दो बराबर बराबर हिस्से करें तो एक हिस्सा आधा कहलाता है और एक हिस्सा आधा कहलाता है। आधा और आधा मिलकर एक बनता है। इसी तरीके से ये आपके सामने मुस्ततील की शक्ल नज़र आ रही है। इसके अगर हम दो बराबर बराबर हिस्से करें तो एक हिस्सा आधा कहलाता है ना, और एक हिस्सा आधा कहलाता है। इसी तरीके से ये मुसल्लस की शक्ल है। इसके अगर हम दो बराबर बराबर हिस्से करें तो एक हिस्सा आधा कहलाता है, एक हिस्सा आधा कहलाता है। ये आपके सामने मुरब्बा नुमा शक्ल है, इसे मुरब्बा कहते हैं। इसके अगर हम इस तरीके से क्रॉस लाइन तिरछी लाइन इस बनाए और इसके दो बराबर बराबर हिस्से करें तो एक हिस्सा आधा कहलाता है। ये आपके सामने दायरा है, इसके अगर हम दो बराबर बराबर हिस्से करें तो एक हिस्सा आधा कहलाता है ना। कसर में आधे को एक बटा दो इस तरह लिखा जाता है। आधा यानी एक बटा दो, है ना। एक चीज़ के दो बराबर हिस्से करना, इसको बोलते एक बटा दो। अल्लाह हाफिज़।